हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ न्यू ड्राइंग वीडियो। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड मेरी नींद खुल गई, सो मैंने सोचा कि इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर लिया जाए। एंड आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मैं अपने वीडियो पे वॉइस ओवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है। हैबिट को मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। एंड इस वीडियो पर मैं वॉइस ओवर करूँगा। एंड वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैंने वीडियो स्लो डाला है एंड अच्छे से बताया है कि ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करता हूँ। एंड आपको सीखने भी मिले, क्योंकि सब आर्टिस्ट के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। सो मैं अपना तरीका इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये फ्रेंड्स पॉपुलर सिंगर मिलन गबा की पिक्चर, जिसकी मैं ड्राइंग आज बना रहा हूँ। एंड सबसे पहले मैं बी पेंसिल यूज़ करके आई ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको आई ड्रॉ करना है लाइट पेंसिल का यूज़ करके। लाइट पेंसिल का यूज़ करके एक लेयर चढ़ा लीजिए। एंड बीच में अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक इरेजर का यूज़ किया है, जो कि टोम्बो मोनो जीरो इरेजर जैसे वर्क कर रहा है, जो कि मुझे सिर्फ 20 रुपये मिला है अप्सरा का है। एंड साथ में मुझे एक लीड भी मिली है, तो आप 300 रुपये के उस टोम्बो मोनो जीरो इरेजर लेने के बजाय ये भी ले सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो। एंड अभी स्टार्ट में ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड बी पेंसिल का यूज़ करके मैंने आई ड्रॉ किया है। उसके बाद अभी 10B पेंसिल का यूज़ करके उसके अंदर के एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ पे डार्क एरिया है। अब नीचे जो शेडिंग है मैं उसे कर दे रहा हूँ। एंड अब ये हो जाने के बाद मैं इसी साइड में फेस में ब्लेंड करूँगा। एंड ब्लेंडिंग के लिए अभी ऐसा यूज़ कर सकते हो, ऐसा बना के रुई से। ये मैंने एक आर्ट चैनल में देखा था एंड ये वर्क बहुत अच्छा करता है। सो टू बी पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ मैं पूरे फेस में, मतलब इस साइड के फेस में। देखिए कितनी अच्छे से ब्लेंड हुआ उस रुई से। तो आप वैसे बना सकते हो अगर ब्लेंडिंग सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो। सबसे पहले तो आपको लेयर ऐसे 2B पेंसिल का यूज़ करके चलाना है एक। देन उसके बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आप डार्क पेंसिल का यूज़ करके उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा सकते हो। ऊपर से ब्लेंड शेडिंग करके ब्लेंड कर लेते हैं माथे में। आईब्रो बनाने के लिए भी वैसे ही पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, उसके बाद डार्क पेंसिल में आना है। एंड हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो की क्वालिटी कैसे लग रही है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने A50 से रिकॉर्ड किया है, सैमसंग के A50 से। एंड वीडियो मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आजकल के मोबाइल वीडियो को इन्हेंस करके रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि जहाँ पर डार्क एरिया होते हैं वहाँ पर एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, सो नेचुरल वीडियो बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड वीडियो में अजीब सी शार्पनेस आ जाती है, जैसे स्मूथ है ड्राइंग वैसे दिखती नहीं है, एक्चुअल में एकदम अलग दिखती है ड्राइंग। से पहले रेडमी नोट 7 प्रो लिया था, जिसमें बहुत ही अजीब बन रही थी वीडियो, उसे मैंने सेल कर दिया। उसके बाद A50 लिया, इसमें ठीक ही बन रही है। पहले मैं J2 प्रो से रिकॉर्ड करता था, उसमें बहुत ही अच्छी बनती है वीडियो, बट उसमें 720p है, फुल HD में नहीं बनती है, जिसके कारण मुझे इस मोबाइल को लेना पड़ा। सो अब जो है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है वीडियो। एंड अब आ जाते हैं ड्राइंग पे। सो यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके पहले शेडिंग करके ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे आप देख सकते हो डार्क एरिया पे शेडिंग करके ब्लेंड किया हूँ। अब फिर से 2B पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे लाइनिंग खींच दिया है। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप जिस जगह पे मैं बना रहा हूँ उस जगह पे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करके फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करता हूँ। एंड कई आर्टिस्ट को आप ने देखा होगा कि पहले पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करते हैं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, जिस एरिया मतलब एरिया को ले लेके करता हूँ। एंड कुछ आर्टिस्ट पूरे फेस में ब्लेंड कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। सो सबकी की अलग अलग टेक्निक है, सब जिनको जैसा जमता है वैसा करते हैं।
अब नोज में मैं कर रहा हूँ पहले 2B पेंसिल यूज़ करके वैसे ही ब्लेंडिंग कर लिया, अब डार्क पेंसिल यूज़ करके धीरे धीरे लेयर चढ़ा रहा हूँ। पहले एक ही तरह इसने भी वैसे ही कर लेना है, पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करना है एंड मैं एक एक एरिया में लाइट एंड डार्क पेंसिल का यूज़ करके पूरे कंप्लीट शेडिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप शुरू से ही पूरे फेस में ब्लेंड करके आप एक एक जगह पे देखो कहाँ डार्क करना है तो उसमें कुछ ना कुछ जगह छूट ही जाती है, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप एक एक एरिया को लेके पूरा कंप्लीट शेडिंग करते हैं तो फिर उस एरिया को देखने की फिर से ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैं इसी स्टेप को यूज़ करता हूँ कि एक एक एरिया में पहले अच्छे से पूरा कंप्लीट ब्लेंडिंग या शेडिंग कर लिए, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट है वहाँ लाइट। तो वो आईब्रो ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया मैंने एंड वैसे ही आई को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अभी आधी वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सो अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 5-6 घंटे लग जाते हैं एंड अभी तो सिर्फ ये एक ही पार्ट है, इसी पार्ट में मुझे 2 या 3 घंटे तो लग ही गए हैं लगभग। एंड फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना कि ड्राइंग कैसे लग रही है एंड आपको कुछ मुझे बताना हो तो आप वो भी बता सकते हो, कुछ मैंने मिस्टेक किया हो वो भी बता सकते हो जो मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करूँ, जिस मिस्टेक को आप बता सकते हो। एंड आई में मैंने लेयर चढ़ा ली थी 2B पेंसिल से, सो मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ एंड जहाँ जहाँ पे आई में डार्क है वहाँ पे आप डार्क कर लीजिए। पेंसिल एक्सटेंडर के लिए मैंने ड्राइंग शीट को ही ऐसे मोड़ दिया है आप देख सकते हो एंड दोनों तरफ पेंसिल लगा ली छोटी छोटी, एक तरफ डार्क पेंसिल लगाया है एंड एक तरफ लाइट पेंसिल। इस वीडियो में मैं सब पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, अप्सरा पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड आर्ट लाइन पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड फेबर कास्टर का भी यूज़ कर रहा हूँ। लगभग कंप्लीट हो चुका है ये एरिया, थोड़ा आई के नीचे हल्का डार्क है वहाँ पे डार्क कर लिया मैंने, अभी इस तरह भी शेडिंग कर लेते हैं आई के साइड साइड में। अभी देखिए आपने कॉटन का यूज़ किया है, वैसे आप बना सकते हो अगर आपके पास ब्लेंडिंग सिस्टम नहीं है, मेरे ख्याल से बड़े एरिया के लिए ब्लेंडिंग सिस्टम से अच्छा वर्क करता है वो। जैसे यहाँ पर मैंने शेडिंग किया, अब देखिए ब्लेंड कर रहा हूँ उससे, इस वीडियो में मैं सिर्फ फेस पे ब्लेंडिंग दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं हेयर बनाऊँगा एंड लिप वगैरह बनाऊँगा। आई थिंक बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कि साईं भगवान की गाने चल रहे हैं, मेरे घर के पास में ही साईं भगवान का मंदिर है, सो मुझे डर लग रहा है कि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, अब देखते हैं जो भी हो। तो एक लेयर चढ़ा लेने के बाद आपको डार्क लेयर चढ़ाते जाना है। अब नोज में मैं हल्का डिटेलिंग दे रहा हूँ, फिर से आपको देखना है कि कहीं पे मिस तो नहीं हो रहा कुछ डिटेलिंग जहाँ पे डार्क एरिया है वगैरह, तो यहाँ पे डार्क एरिया था हल्का सो मैंने कर लिया है एंड अब मैं लेफ्ट साइड की चीक में ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, थोड़ी शेडिंग कर रहा हूँ जब उसके बाद ब्लेंड कर लूँगा उसे। तो ठीक से शेडिंग हो चुकी है कंप्लीट, चाहूँ तो अभी भी मैं डार्क पेंसिल का हल्का यूज़ कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। अब एयर बना लेते हैं,
आपको देखना है ऐसे कि कहाँ पे डार्क है वहाँ पे अपने हिसाब से डार्क कर सकते हो। आपको 6B पेंसिल या 8B पेंसिल का यूज़ करके जिस पेपर में मैं बना रहा हूँ लोकल मार्केट से लिया हूँ, 15 रुपये की सीट आई, मतलब जो बड़े वाली आती है सीट 15 रुपये की आई है, जिसमें 6 पीस कर सकते हैं A4 साइज के। ईयर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद उसकी बीएड की लाइनें खींच लेता हूँ। हल्का सा हेयर इस वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन जो मेन हेयर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को मुझे मतलब इतना ही इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हो कि फेस पे थोड़ी लाइट आ रही है जो कि सनलाइट है, बाहर से डायरेक्ट सनलाइट मेरे ड्राइंग पे आ रही थी। वहाँ पे मैंने कपड़ा भी लगाया था कि अपने विंडो पे, बट फिर भी वो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो वीडियो में अब 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद मैं आज वीडियो बनाऊँगा। ये कल वीडियो बनाया था मैं, इसे आज ही अपलोड कर रहा हूँ, आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ एंड आज अपलोड कर रहा हूँ। सो आज इसकी पूरी ड्राइंग बन जाएगी जिसे मैं कल अपलोड करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।